गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो पिछली बार हमने बुलबुल और पेड़, है ना, देखो पेज नंबर 32, ये लेसन हमने आधा सीखा है ना। वो बुलबुल जो थी, है ना, मूसलाधार वर्षा दो दिन से हो रही थी और उसके वजह से वो घोंसले में दुब कर बैठी थी, है ना, घबरा कर बैठी थी। और तीसरे दिन वो घोंसले से बाहर निकली और फिर उसको क्या मिला, वो बगीचे में गई। वो उसको बहुत तेज भूख लगी थी तो वो बगीचे में गई और बगीचे में उसको क्या मिला, एक जामुन मिला। और वो जामुन को उसने अपने चोंच में पकड़कर वो आ रही थी अपने घोंसले की ओर आ रही थी, लेकिन क्या हुआ, उसकी चोंच से वो जामुन नदी के किनारे गिर गया, है ना। तो वो नदी के किनारे देखो आ गई और ढूंढने लगी कि वो जामुन कहाँ गिरा है, है ना। उसके आगे का अभी हम देखेंगे पाठ में क्या हो रहा है। हाँ, जामुन गीली मिट्टी में धस गया था, क्या हुआ था, गड़ गया था, मिट्टी के अंदर गया था। बारिश गिरती है तो ज़मीन हमारी कैसी होती है, कुछ भी वहाँ डाले तो वो अंदर जाता है, वैसे ही उसके मुंह का जो जामुन जो गिर गया था, चोंच में सा जामुन गिर गया था, वो मिट्टी में धस गया था, है ना, मिट्टी के अंदर गया था। बुलबुल बहुत दुखी हुई, है ना, बुलबुल को बहुत दुख हो गया क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी ना, और इसलिए वो बगीचे में गई और जामुन तोड़कर लेकर आई थी, लेकिन उसके मुंह से, उसके चोंच से वो जामुन गिर गया और ज़मीन में धस गया, गड़ गया। वह बगीचे से दूसरा जामुन लाई और घोंसले में चली गई। उसने क्या किया, बगीचे में गई, दूसरा जामुन लेकर आई और घोंसले में चली गई, पर वह पहले वाले जामुन को नहीं भूली। लेकिन वो पहले वाले जामुन को नहीं भूली, वो याद कर रही थी, है ना। वह रोज नदी किनारे जाती और जामुन को ढूंढती। वो क्या करती थी, वो रोज नदी किनारे जाती थी और जामुन को ढूंढती थी। कुछ दिनों के बाद उसने देखा, कुछ दिनों के बाद उसने वहाँ देखा, रोज जाती थी ना और देखती थी कि मेरा जामुन कहाँ गिरा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि जामुन जहाँ गिरा था वहाँ हरे हरे पत्ते निकल आए। जहाँ जामुन गिरा था ना वहाँ हरे हरे पत्ते निकल आए। वह बहुत प्रसन्न हुई उसको वो पत्ते देखकर, वो पौधा छोटा सा देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। वह समझ गई थी यह जामुन का ही नन्हा पौधा है। उसको समझ गया था कि जहाँ जामुन मेरा गिरा था वो ज़मीन में धस गया था और अभी ये जो पौधा छोटा सा आ रहा है वो किसका है, जामुन का ही पौधा है। आप भी देखो, पेड़ में पौधा लगाओ, देखो बड़ा होने लगा, उस पर फूल आने लगे तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे ही क्या हो गया, वो बुलबुल बहुत प्रसन्न हो गई कि जहाँ मेरा पौधा गिरा था, जहाँ मेरा जामुन गिरा था वहाँ क्या आ गया, पौधा आ गया। वह पौधे की देखभाल करने लगी, क्या करने लगी, वह पौधे की देखभाल करने लगी। चोंच में तिनके लाकर उसने चारों तरफ बाड़ बनाई। देखो यहाँ दिख रहा है ना चित्र में, है ना, उसने पौधे के बाजू में क्या लगाया, बाड़। वो बुलबुल ने देखो एक पक्षी होकर भी उसने वो उस पौधे का रक्षण किया, उसको क्या किया, बाड़ लगाया, बाड़ बनाई। धूप और नमी पाकर पौधा बढ़ने लगा, छोटी छोटी देखो धूप आने लगी थोड़ी थोड़ी और वो पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। बुलबुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। बुलबुल को इतना अच्छा लग रहा था कि जो मेरे मुंह से जामुन गिर गया वह पौधा अभी बड़ा हो रहा है। बुलबुल खुश हो गई। एक दिन एक खरगोश पौधा खाने आया। क्या हुआ, एक दिन खरगोश वह पौधा खाने आया। वह शोर मचाती हुई उस पर झपटी। उसने क्या किया, वो जो खरगोश आया था उस पर वो झपटी क्योंकि वो पौधा खाने के लिए आ गया था। वह शोर मचाती हुई उस पर झपटी, चोंच मार मार कर उसको उसने भगा दिया। क्या किया बुलबुल ने, उस खरगोश को चोंच मारी और उसको खरगोश को भगा दिया। खरगोश डरकर भाग गया। बुलबुल सोचने लगी एक दिन यह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। बुलबुल क्या सोचने लगी, एक दिन ये पौधा बड़ा होकर क्या होगा, पेड़ बन जाएगा, पक्षी इस पर बसेरा करेंगे, कुछ पक्षी क्या करेंगे, इस पर रहने लगेंगे, लोगों को छाया मिलेगी। छाया का मतलब क्या है, उनको छाव मिलेगी, है ना, उनको बैठने के लिए, पेड़ बड़ा होगा और उसके नीचे कोई लोग बैठने आएंगे, कोई
कोई पक्षी उस पर बसेरा करेंगे। यह वो इतनी सी पक्षी बुलबुल सोचने लगा, यह सबको शुद्ध हवा देगा। क्या देगा? पेड़ शुद्ध हवा देगा, खूब जामुन लगेंगे, सब इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे। क्या खाएंगे? सब इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे। पेड़ बनकर यह सबको दुख सुख देगा। क्या देगा? पेड़ क्या देता है? सबको सुख देता है। देखो मनुष्य है ना, देखो कि क्या करता है कि नहीं मैं इससे नहीं बात करूँगा, उससे नहीं बात करूँगा, ये अच्छा है ये बुरा है। लेकिन पेड़ कैसे है कि कोई भी उसके नीचे जाओ वो सबको छाव देता है। पेड़ हमें फल देते हैं ऐसे नहीं बोलते ये लोग बुरे हैं हम इन्हें फल नहीं देंगे। हम जब पौधे लगाते हैं तो हमें वो अच्छे फल भी देते हैं, अच्छे फूल भी देते हैं, अच्छे सुगंध भी देते हैं। तो हमें भी इस पाठ से क्या सीखना चाहिए? हमसे किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। हमारे मम्मी को नहीं, हमारे पापा को नहीं, हमारे दादा दादी को भी नहीं, और हमारे फ्रेंड को भी नहीं, है ना। हम देखो वो पशु पक्षी होकर भी वो उसने क्या किया, एक पौधे को उसने जगाया है ना, उसको उसकी रक्षा की। वैसे हमें भी हमारे जीवन में अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। पेड़ बनकर यह सबको सुख देगा। बुलबुल की आंखें खुशी से भर गई। बुलबुल को अच्छा लगा कि जो जामुन मेरे मुंह से गिरा उसका पौधा बना और वो पौधा भी बड़ा होगा, किसी को छाव देगा, किसी को शुद्ध हवा देगा, किसी को फल देगा, है ना। देखो ये पीयर लेसन क्या है, हमें पूरा पढ़ना है ना, मम्मी को पढ़कर दिखाना है। यह लेसन हमें ग्रामर के लिए है ना, इसके क्वेश्चन आंसर हम नहीं करेंगे, है ना। इसके शब्दार्थ लिखेंगे और कठिन शब्द हम लिखेंगे, है ना। पेज नंबर 36 हम नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।